लेडी राज। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विनीत बंसोड़े है, मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिससे हम किसी की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर देख के उस इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे उनका स्वभाव हुआ, उनकी आदतें हो गई, उनके विचार हो गए। बचपन से मुझे एक आदत थी कि जब भी मैं किसी का सिग्नेचर देखता था तो एक मन में ख्याल आता था कि शायद इसका कनेक्शन इंसान के सोच से है, और उसी हॉबी को मैंने और परस्यू किया, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ कोर्सेज किए, और फाइनली फिर आई टुक दिस एज अ प्रोफेशन। ग्राफोलॉजी से रिलेटेड मैं बहुत सारे काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सिखाता हूँ साइंस, फिर आई डू वन टू वन काउंसलिंग, देन आई हेल्प मेनी MNCs जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है, जब वो रिक्रूट करते हैं लोगों को तो वो हैंडराइटिंग से हम बताते हैं कि ये आदमी कैसे काम करेगा आपके साथ। थोड़ा बहुत CBI के साथ भी काम किया है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। लेडी राज। दुनिया भर के लोगों की हैंडराइटिंग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पर जो दिखाया है दैट इज अ शार्प हैंडराइटिंग, एंड राइट साइड में जो आपको एक सैंपल दिखाया गया है दैट इज सॉफ्ट हैंडराइटिंग। अभी देखते हैं लेफ्ट हैंडराइटिंग या जो शार्प हैंडराइटिंग है उसके बारे में। आप देख सकते हैं दिस पीपल आर शार्प, दिस पीपल आर इंटेलिजेंट, दिस पीपल आर स्मार्ट। सेकेंड जो है दैट इज अबाउट सॉफ्ट हैंडराइटिंग। जब आप सॉफ्ट लिखेंगे तो आपका नेचर जो होगा वो बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग होगा। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के लिए आपका हैंडराइटिंग जो है 80% आपको शार्प लिखना है और 20% जो है आपको सॉफ्टली लिखना है। दैट इज बिकॉज 80% ऑफ द टाइम वी आर रियली वर्किंग फॉर गोल एंड करियर, एंड 20% ऑफ द टाइम वी आर विद योर फैमिली एंड रिलेशनशिप, विच इज अ सॉफ्ट अप्रोच। लेडी राज। अब मैं आपको बताऊंगा ग्राफोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट अल्फाबेट, दैट इज द टी। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट डायरेक्टली टॉक्स अबाउट योर गोल्स इन लाइफ। अब इस टी को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम स्टेम कहते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम क्रॉस बार कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टी में ये जो क्रॉस बार है दैट इज टुवर्ड्स द हाई, ये दर्शाता है कि ये जो लिखने वाला है इसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हाई है, एंड व्हेन द सेल्फ एस्टीम इज हाई योर कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई। ये अगला वाला टी देखिए, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत नीचे आ चुकी है। इससे ये पता चलता है कि इस आदमी के गोल्स और एम्बिशंस इन लाइफ है बहुत छोटे हैं। अब ये थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ टी, इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो दैट इज मोर टुवर्ड्स द राइट। तो इससे ये बताता है कि ये आदमी बहुत इम्पल्सिव है, बहुत रिएक्टिव है। और ये जो अभी फोर्थ अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसमें आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे ये लेफ्ट में है, तो इससे ये बताता है कि ये आदमी जो है वो बहुत सारी चीजें टाइम पे नहीं करेगा। तो ये फोर टीज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन। लेडी राज। अब ग्राफोलॉजी का और एक इंपॉर्टेंट अल्फाबेट वाई। तो ये अगर पहला वाला वाई देखेंगे तो इसका जो लाइन नीचे आती है वो घूम के फिर से ऊपर जाती है, तो इट फॉर्म्स अ लूप। ये इंसान जो है अपने काम काफी अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है, इसकी सेविंग की आदतें अच्छी होती है, ही कैन ट्रस्ट पीपल इजिली और वी कैन ऑल्सो ट्रस्ट द पर्सन इजिली। ये अगला वाई जो है ये वाई बनता है सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से, दैट शोज ये पर्सन इज नॉट वेरी गुड इन सेविंग, इज अ लोनर इन लाइफ, इसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। ये जो थर्ड मैं आपको वाई बता रहा हूँ दैट वाई इज गोइंग टू द लेफ्ट, तो वो दर्शाता है कि ये इंसान जो है मोस्ट अटैच टू द पास्ट है। अभी ये जो मैं फोर्थ वाई आपको बता रहा हूँ इसको एंड में आप देखेंगे एक छोटा सा लूप है। Now that loop is called clannish behavior. Clannish behavior का मतलब है ऐसे लोग अपने ही तरह के लोगों के साथ ज्यादा घुल मिलना उनको पसंद होता है। So these are the four important whys I wanted to tell you. Lady Raj. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्राफोलॉजी के और एक अल्फाबेट के बारे में जो है आई। आई से पता चलता है कि आपका ऑब्जर्वेशन एबिलिटी कितना है, आपका अटेंशन टू डिटेल्स कितना है। तो ये जो पहला आई मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आई का जो डॉट है दैट इज वेरी क्लोज टू द लाइन, नाउ दैट शोज दिस पर्सन इज वेरी गुड इन अटेंशन टू डिटेल्स। दूसरा जो मैं आई बता रहा हूँ इसमें जो आई का डॉट है वो काफी दूर है या काफी ऊपर है, इससे ऐसे होता है कि दिस पर्सन विल बी फार अवे फ्रॉम डिटेल्स। थर्ड टाइप ऑफ आई जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन दिस आई द डॉट इज मिसिंग, दैट मीन्स द पर्सन हु इज रिटन द आई इज एब्सेंट माइंडेड पर्सन और इज नॉट वेरी लॉयल टू वट एवर ही इज डूइंग। एंड द फोर्थ आई फाइनली इफ यू सी इंस्टेड ऑफ अ डॉट, इस इंसान ने एक राउंड बनाया है उसके ऊपर। दिस पर्सन बिलीव्स कि ये लाइफ के जो छोटे छोटे इंस्टेंस होते हैं that should be enjoyed like a child. So these are the four very important eyes I wanted to tell you. Lady Raj. अब मैं आपको बताऊंगा ग्राफोलॉजी के फोर्थ इंपॉर्टेंट अल्फाबेट, दैट इज ई।
अब ये जो पहला ई जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ओपन ई. नो दैट सेज दैट द पर्सन इज वेरी गुड इन लिसनिंग स्किल्स. इफ अ पर्सन इज वेरी गुड इन लिसनिंग स्किल्स तो उसका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होता है. और ये जो सेकंड ई मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज अ ई विच इज कॉल्ड क्लोज्ड ई. ये इसकी वजह से होता है बिकॉज आपके पास ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड वर्क है या आपकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत स्ट्रेस्ड है. ये जो थर्ड ई मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इस ई को अगर आप गौर से देखें तो इट इज लाइक अ रिवर्स थ्री. दैट सेज द पर्सन इज मोर ट्रेडिशनल बाय वैल्यूज, मोर कल्चरल बाय वैल्यूज. और ये जो फोर्थ ई है, इसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसका अपर लूप जो है दैट इज स्मॉल एंड द लोअर लूप जो है दैट इज बिग. इससे ये समझ में आएगा कि द पर्सन हु इज रिटन द ई, इसको ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है या इसके वन ऑफ द ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सो दीज आर द फोर ईज आई वॉन्ट टू टेल यू. लेडी राज, ग्राफोलॉजी में हम ना ही सिर्फ हैंडराइटिंग एनालाइज करते हैं बट हम सिग्नेचर्स भी एनालाइज कर सकते हैं. तो हम और आप मिलके एक सिग्नेचर एनालाइज करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन की. अभी अगर आप ये सिग्नेचर गौर से देखेंगे तो उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कैपिटल ए उन्होंने ए छोटा लिखा हुआ. दैट शोज द पर्सन इज कॉन्फिडेंट बिकॉज द साइज इज बिग बट इज नॉट ईगोइस्टिक बिकॉज ही इज नॉट रिटन अ कैपिटल ए. अनदर थिंग, द सिग्नेचर गोज अप. जब सिग्नेचर ऊपर की तरफ लिखी जाती है तो इट शोज द पर्सन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक बाय नेचर. हम सब जानते हैं कि वो अपने पिताजी को बहुत बार रेफर करते हैं, ऐसे लगता है कि उनका लगाव उनकी तरफ ज्यादा है. बट इफ यू सी द सिग्नेचर, उन्होंने जो सरनेम लिखा है बच्चन, उसका जो बी वर्ड है दैट इज वेरी बिग देन द अल्फाबेट ए. दैट शोज द पर्सन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर. लेडी राज, अब देखते हैं और एक सिग्नेचर बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का. अगर आप ये सिग्नेचर देखेंगे, ही इज चूजिंग टू राइट ओनली द फर्स्ट नेम. मतलब ये सिर्फ आमिर लिखते हैं और इसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं. दैट शोज द पर्सन इज वेरी इंडिपेंडेंट, ही कैन टेक ऑल हिज डिसीजंस ऑन हिज ओन. और एक चीज आप देखेंगे, ए जो है वो एंगुलर है, मतलब इट इज वेरी शार्प. दैट शोज हिज शार्प पर्सनैलिटी, दैट शोज हिज एबिलिटी टू रिसर्च. इसलिए वो कोई भी मूवी बनाने से पहले इतना रिसर्च करते हैं. और एक चीज अगर आप ठीक से देखेंगे तो इनका पूरा सिग्नेचर जो है दैट इज स्लांटिंग टुवर्ड्स द राइट. दीज आर द पीपल हु आर मोर एक्सप्रेसिव. दैट द रीजन उनकी एक्टिंग या उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो इतना लाइवली होता है. और इनका अगर स्पेलिंग देखेंगे, ए के बाद जो ए एम आई आर जो आता है दैट इज रिटन वेरी स्मॉल. दैट मेक्स अ पर्सन मोर इंट्रोवर्ट, एट द सेम टाइम वेरी गुड इन मेमोरी एंड रिसर्च. लेडी राज, अब हम बात करेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर के बारे में. अगर इस सिग्नेचर को आप गौर से देखेंगे तो टी बार जो है दैट इज कॉनकेव, तो उसको मोड़ दिया गया है. तो किसी भी चीज में हम लोग प्रेशर लगाते हैं तभी वो बेंड हो जाती है. ये जो है बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सेकेंड जो चीज है इनके हैंडराइटिंग में, द हैंडराइटिंग हैज लॉट ऑफ प्रेशर. ये जब भी साइन करते हैं काफी प्रेशर देके या काफी दबा के सिग्नेचर करते हैं या साइन करते हैं. दैट शोज इनके शरीर में बहुत ताकत है या इनके हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है. थर्ड चीज जो है दैट इज अबाउट द सिग्नेचर इज स्मॉल इन हैंडराइटिंग. मतलब इनका जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो बहुत छोटा लिखा हुआ है. इससे ये समझ में आता है कि ही इज अ मीडिया शाय पर्सन, ही लाइक्स टू बी अलोन, और इसलिए वो ज्यादातर प्रैक्टिस जो है वो खुद अकेले करते हैं. लेडी राज, आइए देखते हैं और एक सिग्नेचर माही यानी महेंद्र सिंह धोनी जी की. अगर आप ठीक से देखेंगे तो इनका हैंडराइटिंग जो है वो स्क्वीज्ड है. इसकी वजह से उनको रेस्टलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस ऑफ डूइंग समथिंग. इज नॉट अ पर्सन हु विल सिट क्वाइट. इनको आराम या इनको बहुत रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल की आदत नहीं है. जब वो सिग्नेचर करते हैं तो ऊपर की तरफ काफी लूप्स बनाते हैं. दैट शोज अ पर्सन विद लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज. ही इज अ पर्सन, इनके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज होते हैं फॉर बेटरमेंट. And that is what actually makes him more successful. In the signature, alphabet M jo hai, that is very big. That also shows good leadership skills, and it is directly connected to jo abhi wo captain bane hai. So a good captain should always have the first name very big and clear, which he definitely has. Lady Raj. So aaj maine aapko bataya about graphology. We also saw some alphabets. कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज, फिल्म स्टार्स की हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर मैंने आपको आज एनालाइज करके बताई. ग्राफोलॉजी को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है. जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं ये कह के कि मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है या खराब है, तो क्या आप इसका हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग सुधारने का साइंस इज समथिंग एल्स,
एंड ग्राफोलॉजी इज अबाउट साइको एनालिसिस। ग्राफोलॉजी जो साइंस है वो आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके बारे में बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। अगर आप हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं या हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को आप एक हेल्दी वे में लिखना या साइन करना शुरू करेंगे, इट विल डेफिनेटली चेंज यू एज अ पर्सन। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड टुडे। मैं विनीत बंसोड़े आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ।